बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फॉर्म्स को क्रिएट करना, एमएस एक्सेस में फॉर्म्स के अंदर डाटा को इंसर्ट करना और डाटा को डिलीट करना आपको सिखाया था। आज के लेक्चर में हम फॉर्म्स की डिजाइनिंग के फेस को देखेंगे कि आप एक फॉर्म को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, उसमें मजीद कलर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आप उसके टेक्स्ट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और उसकी फील्ड्स की अरेंजमेंट को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक टेबल मौजूद है एम्प्लॉय का। आप इस टेबल की का सबसे पहले एक फॉर्म डिजाइन क्रिएट करेंगे। क्रिएट के टैब में जाएंगे, फॉर्म्स के ग्रुप में सबसे पहले जो आपको बटन नजर आ रहा है, आप फॉर्म का बटन, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके इस एम्प्लॉय टेबल का फॉर्म व्यू क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, इस फॉर्म व्यू के अंदर अब आप अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, इस फॉर्म की डिजाइनिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो एमएस एक्सेस आपको इसके लिए तीन टैब्स फराहम करता है, डिजाइन टैब, अरेंज टैब एंड फॉर्मेट टैब। दोस्तों, अरेंज टैब के जरिए आप दरअसल अपने फॉर्म की अरेंजमेंट को चेंज करते हैं कि फील्ड्स जो है वो अपवर्ड होनी चाहिए, ये फील्ड डाउनवर्ड होनी चाहिए। अगर आप किसी फील्ड की रॉ को ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसकी रॉस को भी बढ़ा और घटा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, अगर आप किसी फील्ड को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करवाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उन फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद, तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद, आप जब अपवर्ड और डाउनवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि अगर आप मूव डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो फील्ड्स हैं ये डाउनवर्ड आ गई हैं। इस तरीके से अगर आप मूव अप करेंगे तो ये जो है वो अपवर्ड मूव हो चुकी है। और दोस्तों, यहीं पर ही अगर आप अपने फॉर्म के अंदर मजीद रॉस एंड कॉलम्स को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस रॉस एंड कॉलम्स के ग्रुप्स के अंदर से आप इस इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इन ऑप्शंस के थ्रू आप जहां भी चाहें अपनी रॉस एंड कॉलम्स को इंसर्ट करवा सकते हैं। अरेंजमेंट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डिजाइनिंग का ऑप्शन एमएस एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट एलिमेंट प्रोवाइड करता है, वो है फॉर्मेट टूल। दोस्तों, फॉर्मेट टूल बार क्या करता है, यहाँ पर आप अपने फॉर्म के अंदर दरअसल कलरिंग, उसके टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, उसके बॉर्डर को डिजाइन कर सकते हैं। यानी आप एक फॉर्म की जितनी भी फ्रंट एंड डिजाइनिंग होगी वो आप इस फॉर्मेट के ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, मिसाल के तौर पर आप अपने इन फील्ड्स के अंदर कलर्स को फिल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कंट्रोल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर आपको शेप फिल का जो है वो बटन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल कलर्स नजर आ रहे हैं जो कि आप इन शेप में फिल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये कलर चूज किया है, आपने ये इस तरह से आपकी ये शेप जो है इसका ये कलर फिल हो चुका है। अब दोस्तों, अगर आप इस शेप का आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं, इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप किस तरह की लाइन जो है वो चाहते हैं आप उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। और अब दोस्तों, जो भी कलर आप इसमें फिल करना चाहते हैं वो कलर आप सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब आपकी जो ये शेप है, ये आपका रिकॉर्ड है, इसकी आउटलाइन भी जो है वो चेंज हो चुकी है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने फॉर्म के अंदर मौजूद टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, तो वो भी आप आसानी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा जिस पर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ, तो आप इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं। आप अगर इसके ऊपर इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, अगर आप अपने फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्म को पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सेम शेप फिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका फॉर्म का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से इस बैकग्राउंड के टैब के अंदर जाके, बैकग्राउंड के ग्रुप के अंदर जाके इस बैकग्राउंड इमेज के थ्रू आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जरा सी फॉर्मेटिंग के थ्रू आपका फॉर्म जो है वो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन, तीसरा टूल आपको फराहम करता है एमएस एक्सेस फॉर्म को डिजाइन करने का, वो है डिजाइन टैब का। दोस्तों, इस डिजाइन टैब के थ्रू दरअसल आप अपने फॉर्म में मल्टीपल बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स वगैरह को इंसर्ट करवा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ जिसमें हमने एक फॉर्म को डिजाइन करना, फॉर्मेट करना, उसमें कलर्स फिल करना, उसके टेक्स्ट को चेंज करना, उसके अरेंजमेंट को चेंज करना सीखा। अगले लेक्चर में हम फॉर्म के अंदर लिस्ट बॉक्स या जिसको आप कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं, ये ऐड करवाना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।